बहर के बिना महफिल, जैसे शादी के बिना दुल्हन, ये अक्सर कहा जाता था भारत की पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार गौहर जान के लिए। गौहर जान पहली ऐसी सिंगर थी जिनके गाए गानों को 78 RPM पर रिकॉर्ड किया गया था। ये रिकॉर्ड भारत की प्रसिद्ध ग्रामोफोन कंपनी ने रिलीज किया था, इसलिए गौहर जान को रिकॉर्डिंग सुपरस्टार के नाम से भी जाना जाता है। गौहर जान 19वीं सदी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय संगीत का सम्मानित और प्रसिद्ध नाम थी। उस समय की गायिका और गणिकाओं के बीच वो भारत की पहली दिवा के रूप में जानी जाती थी। गौहर का जन्म 26 जून 1873 में हुआ था। उनका वास्तविक नाम एंजेलिना येओवर्ड था। उनके पिता विलियम रॉबर्ट येओवर्ड आजमगढ़ में एक ड्राई आइस फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी माँ विक्टोरिया हमिंग, जिनका जन्म और पालन पोषण भारत में ही हुआ था, भारतीय संगीत और उनके माता पिता की शादी ज्यादा दिन नहीं चली और साल 1879 में उनका तलाक हो गया था। इसी बीच उनकी माँ का रिश्ता उनके एक दोस्त खुर्शीद से बन गया, जिसके साथ वे अपनी बेटी को लेकर बनारस चली आई। बनारस आने के बाद गौहर की माँ ने इस्लाम धर्म अपना लिया। ये वह दौर था जब गौहर का रंग प्रवेश हुआ, मतलब उन्होंने पहली बार दरबार में परफॉर्म किया। साल 1887 में दरभंगा राज का दरबार और 14 साल की गौहर जान। गौहर की कला से महाराज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इतनी कम उम्र में भी गौहर को दरबार में संगीतकार के तौर पर नियुक्त कर लिया। गौहर जान ख्याल, ध्रुपद और ठुमरी की भी मल्लिका थी। उनका ख्याल गायन इतना उम्दा था कि भातखंडे ने उन्हें भारत की महान ख्याल गायिका घोषित किया। ये उनकी आवाज और कला का जादू था जिसने उन्हें उस समय के पुरुष प्रधान क्षेत्र में पहचान दिलाई। भारत में ग्रामोफोन का दौर शुरू हुआ। ये देश में तकनीक की शुरुआत थी जिससे संगीत को रिकॉर्ड करके बेचा जा सके, पर इसके लिए जरूरी था कि गायक और गायिकाएं संगीत रिकॉर्ड करने के लिए राजी हों। लेकिन उस समय इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में महिला गायिकाओं के लिए स्टूडियो जाकर रिकॉर्ड करना मर्यादाओं के बाहर था। साल 1902 से 1920 तक उन्होंने 10 से अधिक भाषाओं में 600 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए। इसी के साथ ही वे भारत की पहली रिकॉर्डिंग स्टार बन गई। साल 1928 में कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ के निमंत्रण पर गौहर मैसूर के शाही महल में चली गईं। वहां 1 अगस्त 1928 को उन्हें शाही संगीतकार नियुक्त किया गया था। हालांकि यह नियुक्ति केवल 18 महीने तक चली। 17 जनवरी 1930 को उनकी मृत्यु हो गई। 58 वर्ष की उम्र में भले ही गौहर इस दुनिया से चली गई, लेकिन वे अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ गईं जिसे जितना सहेजा जाए उतना कम है। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए और विभिन्न शैलियों में उत्कृष्टता हासिल की। यकीनन वे भारत की पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार थीं।